मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल प्रियंका टिप्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। देखिए, आज मैं बात करने वाली हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे के बारे में। एक मेकअप सेटिंग स्प्रे का रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे कि मेकअप सेटिंग स्प्रे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें इसको परचेज करना चाहिए और क्यों हमें इसे अप्लाई करना चाहिए। देखिए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने बहुत देर तक एक घंटा लगकर अच्छा सा मेकअप किया है और जहाँ आपको जाना है वहाँ जाने से पहले रास्ते में ही आपका मेकअप सेपरेट होना शुरू हो गया। अब जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो हमें पसीना बहुत ज़्यादा आएगा और उसको जब हम रिमूव करेंगे तो साथ ही साथ हमारा मेकअप भी रिमूव हो जाता है, सेपरेट होना शुरू हो जाता है, जो कि देखने में बहुत गंदा लगता है। कहीं पर मेकअप होता है, कहीं पर मेकअप नहीं होता। जैसा कि आपको पता है कि जब हम मेकअप करते हैं तो बहुत सारी लेयर अपने फेस पर बना लेते हैं। सबसे पहले हम टोनर लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, प्राइमर, फाउंडेशन, बहुत सारी चीज़ें अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। तो उन सभी लेयर्स को हम सेट करने के लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और सेट रहे, मतलब सेपरेट ना हो, अलग अलग ना हो, ऐसा ना लगे कहीं पर मेकअप लगा हुआ है और कहीं से मेकअप जो है वो टिश्यू पेपर या हैंकी के साथ हट गया है। तो मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जो हमने मेकअप किया है वो हमारा सेट हो जाए, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहे और जहाँ के लिए हमने मेकअप करा है वहाँ पर हम पहुँच जाएँ, वहाँ का फंक्शन हम अटेंड कर लें और अपने घर वापस आ जाएँ, तब तक हमारा मेकअप एज इट इज़ वैसे का वैसा ही रहे। तो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ मेकअप सेटिंग स्प्रे। अगर ये नहीं होगा तो हमारा मेकअप सारा ख़राब हो जाएगा, हमारी मेहनत ख़राब हो जाएगी और हम वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका रिव्यू पूरा देखना, पूरा वीडियो देखना और देखना कि ये वाला जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है वो कैसा है। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ NYB का मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। इसे मैंने परचेज किया है पर्पल से, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको टू वेरिएंट मिल जाते हैं, मैट फिनिश और ड्यूई फिनिश। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मैट फिनिश के साथ जा सकते हैं और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ड्यूई फिनिश के साथ जा सकते हैं, ताकि आपके मेकअप पर एक अच्छा खासा ग्लो आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ और जल्दी से प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है NYB मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। इसमें आपको टू वेरिएंट मिल जाते हैं, मैट और ड्यूई। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग लास्टिंग है, ऑल डे हाइड्रेशन है, आपको एक मैट फिनिश स्मूथ स्किन देता है और इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। इधर की तरफ सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं जिसमें कैस्टर ऑयल और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। हाउ टू यूज़ में लिखा हुआ है कि आपको मेकअप से पहले और मेकअप के बाद दोनों इसको अप्लाई करना है तो इसका रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राइस की तरफ मूव करें तो 199 रुपीज़ प्राइस है। 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ लिखी हुई है, 22 से 24 तक, और ये प्रोडक्ट आपको मिलता है 30 ml क्वांटिटी के साथ। तो चलिए इसकी इनर पैकेजिंग देख लेते हैं, अंदर से ये कैसा है और इसको हमें यूज़ कैसे करना है, तो डेमो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इनर पैकेजिंग इसकी बहुत ही क्यूट सी, प्यारी सी है, 30 ml का प्रोडक्ट है और इस पर वही सब कुछ लिखा हुआ है जो कार्डबोर्ड पर लिखा था। ऊपर से इस तरह से इसकी कैप को रिमूव करना है और अपने फेस पर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए इसको स्प्रे करना है। ये अपने आप ड्राई हो जाता है और आपकी स्किन को एक मैट फिनिश देता है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ड्यूई फिनिश के साथ जा सकते हैं और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मैट फिनिश के साथ जा सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोडक्ट NYB मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। प्रोडक्ट के बारे में हमने जान लिया है, प्राइस वगैरह मैंने सब कुछ इसके बारे में आपको बता दिया। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे है। इसको मैं अपने घर के 2-3 फंक्शन में यूज़ कर चुकी हूँ तो मेरा मेकअप जो है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहा था, तो हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से डेमो देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। मेकअप को कर लिया है और अब इस मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, सेट करने के लिए मैं यहां पर यूज करने वाली हूं NYB का मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। तो आपको इस तरीके से लेना है, रिमूव करना है और थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है एक हाथ का और अपने पूरे फेस पर इसको स्प्रे कर लेना है और उसके बाद ना ये अपने आप ही ड्राई हो जाता है। जैसे कि अभी फ़ैन वगैरह चल रहे हैं तो अपने आप ही ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं इसने मेरे मेकअप को सेट तो किया ही किया है, मतलब मैट फिनिश है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको स्प्रे करने के बाद ना मेरे मेकअप में एक अलग सा ग्लो आ गया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सेटिंग स्प्रे, आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं, पूरा मैंने बता दिया है। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।
सो मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसे हम यूज़ क्यों करते हैं, और मैंने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, आपको डेमो भी बता दिया और लिंक आपको दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतना सारा काम मैंने आपका कर दिया है, तो आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें नीचे कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।